शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता के गर्भ में तू अकेला था, ना भोजन करता था, ना नौकरी करता था, ना तू सर्विस करता था, ना तू कमाने जाता था। माता के गर्भ में जैसे तू अकेला था तो तेरा भरण पोषण मैंने करा था, माता के गर्भ में तू पड़ा रहा तो तेरा ध्यान मैंने रखा था, माता के गर्भ में तू रहा तो तेरा भोजन देने का काम मेरा था, माता के गर्भ में जब तू पड़ा रहा तो तुझे जीवित रखने का कार्य मेरा था। तो भगवान शंकर की कथा कहती है कि मरने के बाद का भी टेंशन मत लेना कि लोग जलाकर दूर बैठ जाएंगे, दुनिया के लोग दूर बैठकर तुझे देखते रहेंगे आग लगते हुए, पर शंकर कहते हैं कि तूने अगर मेरा एक बार भी नाम लिया है तो मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं तुझे जाकर अपनी बाहों से लपेट लूंगा, अपनी बाहों से लगा लूंगा। किसी ने कहा शंकर भगवान को और कोई भस्म नहीं मिली रमाने के लिए? शंकर भगवान को और कोई भस्म नहीं दिखी रमाने के लिए? अरे गाय के गोबर का कंडा बनाकर उसकी भस्म बना के शंकर जी लगा लेते? नहीं नहीं नहीं, किसी वृक्ष को जलाकर भगवान शंकर उसकी भस्म लगा लेते? नहीं। किसी पत्तियों को जलाकर शंकर भगवान उसकी भस्म रमा लेते? नहीं। पर शंकर भगवान ने भस्म किसकी रमाई? वो भी मुर्दे की। आखिर क्यों, किस लिए? शंकर भगवान ने कहा कि ये जो जीव जिसको मैंने जन्म दिया है, जिसको मैंने पैदा किया है, इसके गर्भ में मैं इसके साथ में था। परिवार वाले तो बाद में जब इसको बाहर निकाला गया, गोदी में लाकर दिया गया, और ये डॉक्टर सिस्टर ने जब इसको गोदी में दिया तब 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 लोगों ने प्रेम करा, तब इस लोगों ने स्नेह करा, तब लोगों ने इसको गोदी में लिया, पर इसके बाद तो जनता ने इसको संभाल लिया, फिर दुनिया ने इसको साथ लिया, पर अंदर तो मैं ही था 9 महीने तक।